तो दोस्तों आपको क्या लगता है मैं किस गाड़ी में बैठा हूँ? आप अंदाजा बता सकते हो? मुझे तो लगता है कुछ लोग तो समझ गए होंगे मैं किस गाड़ी में बैठा हूँ। अगर जो लोग नहीं समझे हैं, आइए मैं आपको दिखाता हूँ कौन सी गाड़ी में आज मैं बैठा हुआ हूँ। अच्छा, जिन लोग पास ऑलरेडी ये गाड़ी है और रेगुलर यूज कर रहे हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करना है। जो लोग परचेस करने वाले उनको काफी हेल्प मिलेगी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सर्विस, स्वागत करता हूँ आपका SS ऑटोमोटिव में। तो आपके सामने खड़ी है हुंडई वेन्यू की S ऑप्शनल 2023 DCT में, वो भी टर्बो चार्ज इंजन के साथ। इसी गाड़ी आज रिव्यू किया जाएगा, इसका एक्सटीरियर इंटीरियर फीचर्स और ऑन रोड प्राइसिंग के बारे में भी बात किया जाएगा। आज से 7-8 साल पहले जब हम लोग टर्बो चार्ज इंजन के बारे में बात करते थे ना, तो हम लोग के दिमाग में तुरंत फास्ट एंड फ्यूरियस वाली मूवी आ जाती थी कि भाई गाड़ी का पंजा दबाया नहीं कि गाड़ी सीधा हवा में। लेकिन जब यार एक टर्बो चार्ज इंजन के अंदर बैठोगे मैनुअल ट्रांसमिशन लेकर के, तो आपका यार मजा किरकिरा हो जाता था। क्यों? क्योंकि यार वो DCT यार फील ही नहीं आता था वो वाली। क्यों? क्योंकि मैनुअल होती थी, टर्बो लैग होता था, काफी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। लेकिन हुंडई ने इस गाड़ी में यार DCT देकर के कमाल कर दिया, क्योंकि यार जो भी टर्बो चार्ज इंजन का असली मजा होता था ना, वो DCT में ही आता है। क्योंकि यार जब इसको चलाते हो ना, तो एक असली ट्रांसमिशन एक असली पावर आपको दिखाता है और गाड़ी की असली पावर आपको पता चलती है। तो ये चीज यार हिसाब से देखा है तो इस बजट में आपको हुंडई जैसी कंपनी आपको DCT ऑफर करती है, जो बहुत बड़ी बात है। वहीं पर अगर इसके इंजन ऑप्शन की बात करें तो इसमें मिलने वाला 3 सिलेंडर जो पेट्रोल टर्बो चार्ज इंजन है, वो काफी ज्यादा रिफाइनमेंट आपको प्रोवाइड करता है। इसके रिफाइनमेंट को देख करके अच्छे खासे 4 सिलेंडर वाले पेट्रोल इंजन भी शर्मा जाए, घूंघट भी ओढ़ सकते हैं। ज्यादा तो नहीं ना बोल दिया भाई, बताना कमेंट बॉक्स में। तो सबसे बड़े राइवल्स है, एक है नेक्सॉन, दूसरी है वीजा। दोनों ही राइवल्स इस बजट में, नेक्सॉन की बात करो तो एग्जेक्ट प्लस वेरिएंट आ जाता है और वीजा की आपकी ZXi वेरिएंट आ जाती है। दोनों ही यार अगर देखा जाए तो इसके इंटीरियर इंजन के आगे थोड़े से फीके पड़ जाते हैं, क्योंकि इसमें मिलने वाला ट्रांसमिशन एक नंबर का है। तो इसलिए अगर आप ऑटोमेटिक ले रहे हो तो इससे बेहतर कोई नहीं हो सकता। बाकी सारे फीचर्स भी आपको देखने को मिल जाते हैं। अगर वहीं पे यार इसमें मिलने वाली ऑन रोड प्राइसिंग की बात करें तो ये गाड़ी आपको 13,31,000 रुपये में ऑन रोड MB हुंडई गोरखपुर UP में मिल जाती है। डिस्क्रिप्शन में आपको कॉन्टेक्ट डिटेल्स मिल जाएगी शोरूम की। तो भाई अभी तक आप लोगों ने कमेंट नहीं किया क्या कि कौन सी गाड़ी में मैं बैठा था? अगर नहीं किया है तो भाई जल्दी से कमेंट करो, अब तक तो कमेंट आ जाने चाहिए थे। और वीडियो देखते रहो, इसी में ही मैं बताऊंगा मैं किस गाड़ी में बैठा हुआ था। तो आइए चलिए देखते हैं अंदर क्या क्या चीज़ें इस गाड़ी में आपको देखने को मिल जाती है। अच्छा, इसका डोर को देखोगे तो डोर देख सकते हो कितना ज़्यादा वाइड ओपन हो रहा है, और इसकी जो क्या बोलते हैं ग्लास एरिया ना, वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा आपको देखने को मिल रहा है। देख सकते हो, पास से दिखाता हूँ, काफ़ी बड़ा मिलता है। क्वालिटी प्राइस ब्रैकेट के हिसाब से काफ़ी अच्छी आपको देखने मिल जाती है। यहाँ पे लॉक अनलॉक मिलता है, यहाँ पे आपको विंडो ORVM के सारे कंट्रोल्स मिल जाते हैं। इलेक्ट्रिकली फोल्डेबल एडजस्टेबल आपको विंडो देखने को मिलता है। नीचे आपको वाटर होल्डर स्पीकर आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। बाकी यार कुछ इस तरह का इंटीरियर देखने को मिलता है हुंडई वेन्यू S ऑप्शनल 2023 DCT में। काफ़ी शानदार आपको इंटीरियर देखने को इसका मिल जाता है। नीचे आओगे तो मैनुअली आपको हाइट एडजस्टमेंट मिल जाता है, सीट एडजस्टमेंट जो भी है देख सकते हो। यहाँ पे आपको सीट मैनुअली मिलता है, DCT है तो आपको 2 पैडल्स आपको देखने को मिल जाते हैं ऑटोमेटिक वेरिएंट में। यहाँ पे आओगे तो आइडल स्टार्ट स्टॉप, ट्रैक्शन और हेडलैम्प के सारे कंट्रोल्स यहीं पे आपको देखने को मिल जाते हैं। अब चलते हैं इसमें, यार पहले की लगा लिया जाए, उसके बाद अंदर बैठा जाए, उसके बाद बात किया जाए कि आप देख सकते हो किस तरह की मिलती है। भाई आओ बैठते हैं, गाड़ी को बंद करते हैं, थोड़ी सी आवाज़ नॉइस आपको कम मिलेगी। फाइनली इस गाड़ी में आने के बाद एक चीज़ मुझे अच्छा लगा यार इस गाड़ी का, वो जानते हो क्या इस वेन्यू का, वो है यार जितनी भी मिनी SUV सेगमेंट में गाड़ियाँ आती हैं, पहले यार इसका इंटीरियर देखो, देख लो कितना ज़्यादा शानदार आपको इंटीरियर देखने को मिल रहा है, शानदार बेहतरीन। जो सबसे अच्छी चीज़ मुझे देखने को मिली है ना, जितनी भी सेगमेंट में मिनी SUV आती हैं उनमें यार इस वेरियंट देखो, ये तो लैडर ट्रीटमेंट वगैरह तो खैर मिलता है इस वेरियंट में। बाकी यार स्टेरिंग माउंटेड कंट्रोल मिल जाते हैं, बाकी यार यहाँ क्रूज कंट्रोल वगैरह जो भी चीज़ें हैं वो देखने को मिल जाती है, ये सारी चीज़ें जो हैं वो तो देखने को मिलती हैं। जो सबसे अच्छी चीज़ लगी है ना, ये आपका दिल जीत लेगी और आपका दिमाग ख़राब कर देगी, इस गाड़ी को परचेस करने के लिए मजबूर कर देगी। यार यही तो यार हुंडई की सबसे बड़ी खासियत है कि इनकी गाड़ियों का जो यार MID वगैरह जो भी सेगमेंट में इतनी गाड़ी, नेक्सॉन ले लो या फिर जिसको भी ले लो, ब्रेजा ले लो, इतना यार बेहतरीन आपको नहीं मिलता यार। MID वगैरह देखो ना आप, इसको ध्यान से आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि इतना शानदार आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, इतना प्रीमियम इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर अभी तक सेगमेंट में नहीं देता। सोनेट वगैरह भी इतना बेहतरीन आपको नहीं देती। बाकी यार इंटीरियर वगैरह तो अच्छा मिलता है।
देखो सब इंफॉर्मेशन ये प्रोवाइड करता है, हर तरीके का इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। बाकी इसका इंफोटेनमेंट सिस्टम आप देख सकते हो कितना ज़्यादा शानदार है, 8 इंच का आपको मिलता है, जो कि एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले, नेविगेशन, ब्लूटूथ, रेडियो सब कुछ ये सपोर्ट करता है। यहाँ बटन से भी आप इसको कंट्रोल कर सकते हो, 1000 लैंप का कंट्रोल यहाँ मिल जाता है ऑटोमेटिक। चूँकि यहाँ देखो तो यहाँ पे आपको ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल देखने को नहीं मिलता, नॉर्मल वाली एसी मिलती है, लेकिन फिर भी सही है यार, कोई दिक्कत आपको नहीं। यहाँ पे यार एक USB मिल जाता है, यहाँ पे सी टाइप मिल जाता है, 12 वोल्ट का सॉकेट्स मिल जाता है, बाकी सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं। फ़ोन वगैरह अपना रख सकते हो, कोई वायरलेस चार्जर वगैरह नहीं मिलता है। DCT गियर बॉक्स है, जो काफ़ी शानदार गियर बॉक्स है, देख सकते हो। यहाँ पे आपको स्मार्ट लॉक रिलीज, यहाँ से लॉक वगैरह आप कर सकते हो। यहाँ पे आपको यार ड्राइविंग मोड वगैरह आपको मिल जाते हैं, यहाँ से आप ड्राइविंग मोड को कंट्रोल कर सकते हो, जो कि ठीक है यार, अच्छी बात है। यहाँ पे यार कप होल्डर्स आपको मिल जाता है, यहाँ पे आपको आमरेस के नीचे काफ़ी अच्छी और डीप जगह मिलती है, जो कि यार ठीक है, अच्छा लगता है। क्वालिटी यार अच्छी है यार, फैब्रिक में मिलती है, लेकिन यार कुशनिंग है, साथ ही में बकेट सीट इतना ज़्यादा बेहतरीन मिलती है ना, आपको एकदम जगड़ के रखती है सीट, तो ये चीज़ मुझे अच्छी लगी है। बाकी ग्लव बॉक्स की बात करें तो बेहतरीन आपको बड़े साइज़ का आपको ग्लव बॉक्स इसमें भी देखने को मिल जाता है। इंटीरियर देख सकते हो कितना शानदार मिलता है, प्राइस जैकेट के हिसाब से तो ठीक ही इंटीरियर आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ पे यार कोई वारंटी मिरर आपको ऊपर नहीं मिलता है, यहाँ पे यार कोई लाइट वगैरह भी नहीं दी गई है फिलहाल, रीडिंग लैंप वगैरह IRBM सबको मैनुअली आपको मिलता है। यहाँ पे आपको वारंटी मिरर देखने को मिल जाता है, जो कि ठीक है, यहाँ पे भी आपको ग्रैबिंग करने के मिल जाते हैं, बाकी सारी चीज़ें आपको बेहतरीन मिलती है, मतलब अच्छा लगता है। अगर आप देखोगे हेडरूम मेरा तो देख सकते हो, इसका जो हेडरेस्ट है वो आप ऊपर करके अपने हिसाब से, मैंने ज़्यादा ऊपर कर दिया, कर सकते हो, मेरी 5'8" है, उसके बावजूद देखो हेडरूम वगैरह आपको, जाहिर सी बात है मिनी SUV है, तो जाहिर सी बात है हेडरूम वगैरह आपको इसमें अच्छा मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन फिर भी हेडरेस्ट वगैरह ठीक मिलता है, बैठने में भी ठीक लगती है, आप देख सकते हो जैसा मेरा शरीर है उस हिसाब से तो ठीक ही मुझे लग रहा है। बाकी यार 200 का मैं नहीं कर सकता, मेरे इतना अगर आपका शरीर है तो बहुत कंफर्टेबली बैठोगे। लॉन्ग ड्राइव के लिए गाड़ी बहुत अच्छी है, सिटी के लिए बहुत अच्छी है गाड़ी, बस ज़्यादा ना बोलूँगा यार, बस इतना रहने दो। अब चलो चलते हैं, और भी चीज़ें आपको दिखाता हूँ। इसको पहले बंद कर दिया जाए, ये बंद हो गया, क्या आवाज़ करता है यार, गजब का। अब तक तो आप लोगों ने कमेंट कर दिया होगा मैं किस गाड़ी में बैठा था, तो मैं बता दूं मैं i20 के मैग्ना वेरिएंट में बैठा हुआ था, तो हो सकता है यार काफ़ी लोग कमेंट करके बता दिए हों। तो भाई फ्रंट से इस गाड़ी को देखोगे तो इसका लुक काफ़ी ज़्यादा शानदार आता है। अगर इसके इंजन ऑप्शन की बात करें तो इसका जो मिलने वाला इंजन है 1 लीटर का टर्बो चार पेट्रोल इंजन, जो आपको 118 PS की पावर देता है 172 Nm टॉर्क के साथ, काफ़ी शानदार आपको पावर और रिफाइनमेंट ये इंजन आपको प्रोवाइड करता है सेगमेंट में। फ्रंट की डिज़ाइन काफ़ी ज़्यादा शानदार लगती है, देखने में बहुत बॉक्सी लगती है, देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा मैच्योर डिज़ाइन है। यहाँ पे आपको इंडिकेटर देखने को मिल जाता है, यहाँ पे पायलट लाइट मिलती है, देख सकते हो यहाँ पे नीचे आपको LED में आपको सराउंडेड डायल्स मिलते हैं, प्रोजेक्टर सेटअप, और यहाँ पे कॉर्नरिंग लैंप वगैरह भी जो भी है सारी चीज़ आपको इसमें देखने को मिल जाती है। कोई भी फॉग लैंप का ऑप्शन हुंडई नहीं देता है। नीचे की ग्रिल काफ़ी शानदार कार्बन ब्लैक, फ्रंट में स्किड प्लेट का ऑप्शन मिलता है सिल्वर फिनिश में, जो काफ़ी अच्छा लगता है, देख सकते हो ये पियानो ब्लैक फिनिश सराउंडेड पूरी गाड़ी में गया है। ये यार डार्क क्रोम जो हुंडई देता है ना, वो काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम फील कराता है उनकी गाड़ियाँ, चाहे आप अल्कजार ले लो या फिर यार वेन्यू ले लो, इसका डार्क क्रोम एकदम दिल खुश कर देता है। देख रहे हो कितना ज़्यादा शानदार लग रहा है इसका डार्क क्रोम, बहुत ज़्यादा जो छोटे छोटे बॉक्सेस में आता है, देखो ये जो बॉक्सेस है बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है देखने में, शानदार लगता है। बीच में हुंडई का लोगो मिल जाता है, जो कि ठीक है, शानदार है। बाकी डिज़ाइन के हिसाब से देखा जाए तो काफ़ी बॉक्सी डिज़ाइन है, लोग इसकी डिज़ाइन को भी काफ़ी ज़्यादा पसंद भी करते हैं। यहाँ से आप देख सकते हो यार इसकी साइड प्रोफाइल कितनी ज़्यादा बेहतरीन ये गाड़ी आपको लगती है। अगर डायमेंशन की बात करें तो इसकी लेंथ मिल जाती है 3995 mm की, विड्थ मिलती है 1770 mm की, हाइट मिलती है 1617 mm की। व्हील बेस की बात करें तो 2500 mm की इसमें आपको व्हील बेस भी देखने को मिल जाती है, जो कि यार सही है यार, बेहतरीन है। व्हील क्लैडिंग आप देख सकते हो पूरी गाड़ी में सराउंडेड आपको व्हील क्लैडिंग मिलती है, बहुत ज़्यादा थिक नहीं मिलती है, लेकिन जैसे ही मिलती है काफ़ी ज़्यादा शानदार है, देख सकते हो पूरी गाड़ी में सराउंडेड आपको देखने को मिलती है। यहाँ पे आपको देख सकते हो थोड़ी सी कार्बन ब्लैक का यूज़ किया गया, जो अच्छा लगता है देखने में। व्हील आज भी काफ़ी अच्छा है, तगड़े वाले आपको इसमें सस्पेंशन भी देखने को मिल जाते हैं, कोई आपको दिक्कत नहीं है। टायर साइज़ की अगर बात करें इसमें 215/60R 16 इंच के आपको स्टील रिम्स मिलते हैं, ये आपको व्हील कैप है, ये मत सोचिएगा डायमंड कट अलॉय व्हील्स है, ये व्हील कैप आपको मिलता है, जो काफ़ी अच्छा लगता है, डायमंड कट वाली अलॉय व्हील्स वाली फीलिंग देता है। एलिटिकली फोल्डेबल एडजस्टेबल अलॉय व्हील्स मिलते हैं। ये देखो यार इसका इंडिकेटर का शेप कुछ अलग लग रहा है, देखो ना गो ऐसे यू शेप में कुछ मिल रहा है, कोई भी आपको
कैमरा वगैरह नहीं मिलता है। यहाँ पे आप देख सकते हो डोर हैंडल्स वाइट कलर में, मतलब सेम कलर में हमें देखने को मिल जाता है। बाकी साइड प्रोफाइल से गाड़ी काफ़ी ज़्यादा मैच्योर और काफ़ी बॉक्सी डिजाइन लगती है, जिसकी वजह से इस गाड़ी का, इसीलिए तो इस गाड़ी को लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। काफ़ी अच्छे नंबर्स में ये गाड़ी बिक जाती है, 10,000 यूनिट अप्रॉक्स ये हर महीने बिकती है, कोई आपको दिक्कत नहीं होने वाली है। यहाँ पे आप देख सकते हो, नीचे अगर आओगे तो यहाँ देख सकते हो कार्बन ब्लैक का बीच में यूज किया गया है, कितना अच्छा लगता है ये डिजाइन। ये रिफ्लेक्टर है, यहाँ पे रियर फॉग लैंप आपको देखने को मिलता है, नीचे भी कार्बन ब्लैक का यूज किया गया है। स्किलेट प्लेट आपको सिल्वर फिनिश में दी गई है, पार्किंग सेंसर्स आपको देखने को मिल जाते हैं, जो कि यार ठीक है यार। ये पूरी LED सराउंडेड आपको मिलती है, जो काफ़ी अच्छी लगती है देखने में। देख लो यार, रियर फॉग लैंप वगैरह जो भी है, इंडिकेटर, वेन्यू की बैजिंग मिल जाती है, हुंडई की बैजिंग लोगो मिल जाता है। यहाँ पे आपको कैमरा देखने को मिलता है, देख सकते हो यहाँ पे रियर वाइपर, डीफॉगर, हाई माउंटेड स्टॉप लैंप, साथ ही में आपको ऊपर सार्फिन एंटीना और रूफ रेल जैसी चीज़ें आपको देखने को मिल जाती है। देख सकते हो रूफ रेल कितनी ज़्यादा अच्छी लग रही है, तगड़ी वाली, शानदार लगती है देखने में। बाकी यार रियर की प्रोफाइल गाड़ी की बहुत ज़्यादा शानदार मुझे लगती है। आइए तो आप बूट खोल के देखते हैं कितनी बड़ी इसमें आपको बूट देखने को मिल जाती है। खुल जाएगा, हाँ खुल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। पार्सल ट्रे आप देख सकते हो काफ़ी शानदार है। पीछे की यार काफ़ी अच्छे से बूट को कवरअप किया गया है, पीछे से देख सकते हो काफ़ी अच्छे से कवरअप किया गया है। पार्सल ट्रे भी आपको मिल जाता है इस वेरियंट में, जबकि यार क्वालिटी अच्छी है इसकी। अगर बूट की बात करें तो 350 लीटर की बूट मिलती है, जो कि यार सेगमेंट पे इसी साइज की बूट ऑफर किया जाता है। और यहाँ देखेंगे आपको 60-40 स्प्लिट सीट मिल जाती है। टायर की बात करें तो पीछे आपको स्पेयर व्हील भी देखने को मिल जाता है। बूट ठीक है यार, मतलब सेगमेंट के हिसाब से सही आपको बूट देखने को मिल जाती है। अब चल भाई इसको बंद करते हैं और भी चीज़ें चल के देखते हैं क्या क्या चीज़ें आपको देखने को मिल जाती है। चलो भाई बूट को बंद किया जाए, ये बंद हो गया। अब चलते हैं रियर की सीट पे, देखते हैं यार क्या क्या चीज़ें इसमें आपको देखने को मिलती है। सबसे पहले इसका डोर देखो कितना वाइड ओपन हो रहा है। बाकी यार इसकी यार ग्लास एरिया वो भी काफ़ी शानदार है, क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है। लॉक अनलॉक मिल जाता है, विंडो के कंट्रोल यहीं पे आपको मिल जाते हैं, डुअल टोन में इंटीरियर मिलता है, वाटर होल्डर्स मिल जाता है, यहीं पे आपको स्पीकर्स भी देखने को मिल जाते हैं, जो कि यार सही है एकदम। तीन तीन हेडरेस्ट आपको इस वेरिएंट में देखने को मिलते हैं, जो कि यार वेन्यू में सेगमेंट में बहुत कम गाड़ी आपको देखती हैं तीन तीन हेडरेस्ट, जबकि इसमें आपको देखने को मिल जाते हैं। चलिए गाड़ी के अंदर बैठते हैं, उसके बाद बात करते हैं क्या क्या चीज़ें आपको इसमें देखने को मिल जाती है। चलिए आइए बैठा जाए और स्पेस वगैरह आपको दिखाते हैं। ये मैं बैठ गया भाई, स्पेस आप देख सकते हो, पहले स्पेस दिखा देता हूँ उसमें। यह सीट पूरी पीछे होने के बावजूद, थोड़ी सी रिक्लाइन एंगल भी सही किया गया इसका, फिर भी स्पेस आपको पूरी पीछे होने के बाद भी मैं पैर आराम से चला गया, मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई है। थाई सपोर्ट वगैरह भी अच्छा है। बाकी यार आमरेस्ट वगैरह भी मिलता है कि नहीं मिलता? नहीं, आमरेस्ट नहीं मिलता। तीन तीन हेडरेस्ट आपको मिल जाते हैं। बाकी यहाँ पर यार देखो ग्रैब हैंडल्स, यहाँ पे लैंप दिया गया है, वहाँ क्यों नहीं दिया गया मुझे समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा क्यों हुंडई ने किया। फिलहाल यार इसका यार स्पेस देख सकते हो कैबिन का कितना ज़्यादा अच्छा है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। प्राइस ब्रैकेट के हिसाब से जिसमें आती है उस हिसाब से यार इस गाड़ी का यार स्पेस वगैरह ठीक आपको मिल जाता है। यहाँ पे यार ग्रैब हैंडल्स मिलता है, हुक भी मिलता है, देख सकते हो दिखा कि नहीं यहाँ पे हुक। बाकी यार रियर एसी वेंट इस वेरियंट में आपको देखने को मिल जाता है, देखो दो सी टाइप पोर्ट भी मिल जाता है, फैब्रिक में सीट मिलती है, ठीक है यार अच्छी सीट मिलती है आपको, कोई दिक्कत नहीं है। इंटीरियर भी आप देख सकते हो, बाकी यार कोई कंप्लेन नहीं है यार, जगह वगैरह ठीक मिलती है। एक मिनी एसयूवी सेगमेंट के हिसाब से इतनी जगह सभी गाड़ियों में मिलती है और इसमें भी आपको मिलती है। लेकिन सबसे अच्छी चीज़ इस गाड़ी की ये लगती है मुझे यार प्रीमियमनेस, जो काफ़ी अच्छी है। पहले यार हेडरूम चेक करा देता हूँ आपको, देखो हेडरेस्ट ऊपर कर दिए इसका, देखो ठीक है यार इसका तो सही लग रहा है यार, कोई दिक्कत ही नहीं है, मैं आराम से बैठा हूँ, मुझे ऐसा कंफर्टेबल फील हो रहा है। बाकी यार हेडरूम आप देख सकते हो इतना है, तो मिनी एसयूवी सेगमेंट में जितनी भी गाड़ी है उनको हेडरूम में, हेडरेस्ट में या फिर ये सब चीज़ों में कोई भी दिक्कत आपको नहीं होती है, तो ये चीज़ अच्छी है। बाकी यार ठीक है यार, तीन लोग भी कभी कभार बैठा ही सकते हो, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी, तीन लोग भी बैठा सकते हो, देख सकते हो मेरे हिसाब से तो बैठा सकते हो। बाकी यार जो लोग आराम से सो करके बैठते हो उनकी अलग बात है। फिलहाल ठीक है, चलो अब उतरते हैं और भी चीज़ें दिखाते हैं। इस गाड़ी में मिलने वाले सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो इसमें आपको टायर प्रेशर मॉनिटर, क्रूज कंट्रोल, व्हीकल स्टेबिलिटी कंट्रोल, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, हिल असिस्ट, ब्रेक असिस्ट जैसे तमाम सेफ्टी फीचर्स भी देखने को मिल जाते हैं।
तो दोस्तों ये रहा हुंडई वेन्यू एस ऑप्शनल 2023 DCT का रिव्यू। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपका दिन शुभ रहे, धन्यवाद।